छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार की तारीफ करते हुए मारे गए नक्सलियों का ब्यौरा दिया, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस विश्वास के लिए हम गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय में डबल इंजन की सरकार को बेहतरीन सफलता मिली है। निसंदेह इस विषय पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति से नक्सलियों को ताकत मिलती है, पर बावजूद इसके हम इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं, उन्होंने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है और डबल इंजन सरकार के कारण ये संभव हो पाया है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए हैं, 450 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारे सेनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन हो भी चाहिए। मंत्री कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए नजर आया और उन्होंने कहा कि उनकी मती मारी गई है। साथ साथ आज एक प्रेस नोट नक्सलियों ने जारी किया, उसमें भी वो कह रहे हैं कि 107 हमारे साथी मारे गए, फिर भी कांग्रेस सवाल खड़े करते हैं। हाँ, ये दुख का विषय है, कम से कम इन सब विषयों को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। पिछले बार भी जब एक दिन में 29 नक्सली मारे गए तो उस समय भी उस घटना को विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, नकली बता रहे थे, जबकि स्वयं नक्सलियों ने 19 लोगों का लिस्ट जारी किया। तो ये दुख की बात है, लेकिन अब इन लोगों को क्या कहें, लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न खड़ा करने वाले हैं। कम से कम उनसे मेरा यह आग्रह होगा कि इन सब विषयों को राजनीति से ऊपर उठ के देखें। बिल्कुल नहीं है, हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है और लगातार हमारे सैनिकों को सफलता मिल रहा है, जवानों को सफलता मिल रहा है। उन्होंने तो जांच कमेटी बनाई है। देखिए, अभी तक तो पुनर्वास नीति है जिसके कारण आत्मसमर्पण हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं कि और अच्छा क्या हो सकता है और बहुत जल्दी नया पुनर्वास नीति क्या ला सकते हैं, इस पर सरकार विचार कर रही है।